मकबरे की, हुमायूं टॉम्ब की मेन एंट्रेंस। भाई ये एंगल गाइज, अगर आप देखो प्री वेडिंग के लिए शूट करवा रहे हो, किसी चीज के लिए फूड शूट करा रहे हो, ये जो एंगल आता है गाइज बहुत जबरदस्त एंगल है। सही है यार, और काफी डीप है, काफी डीप है। फोटो में नहीं दिख रही है बट एक्चुअली इट्स डीप। ये हुआ करता था स्टेज आई गेस, जहाँ पे लोग अपना थोड़ा सा मनोरंजन करते थे। गैस अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ नीला गुंबद के बारे में। नीला गुंबद पहले अलग था, मतलब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसमें जॉइंट नहीं था। गैस काफ़ी प्यारा है, काफ़ी कलरफुल है, ऊपर से देखो अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का इसमें। ये कुछ अलग है, क्या है ये, यहाँ पर ये वाइब देने के लगाई है, पहले से लगी हुई थी। वेलकम बैक टू माय चैनल, उम्मीद करता हूँ खैर होंगे, यहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे। आपका दोस्त आ गया एक नई जबरदस्त बेहतरीन बेमिसाल वीडियो के साथ। आज का दिन मतलब दोपहर, सॉरी दिन नहीं, हाँ मतलब दिन ही है, आज का दिन होने वाला है बहुत बेमिसाल, क्योंकि आज जिस जगह मैं आया हूँ, मैं आया था 1947 में। अबे नहीं बे, मैं कब आया था भाई, मैं मतलब स्कूल पिकनिक पे आया था 2000 आई गेस 2012-13 में, हाँ जब मैं 12th करी थी जब आया था, तो 12-13 का टाइम होगा, स्कूल के पिकनिक में आया था। अभी दोबारा से वो जगह एक्सप्लोर करने वाला हूँ। पार्किंग में बाइक लगा दी है, पार्किंग के पैसे पता नहीं कितने होते हैं, जाते वक्त दूंगा तो आपको बता दूंगा। फिलहाल चलते हैं एंट्रेंस पे। मुझे लगता है इसकी एंट्रेंस चेंज हो गई है, बिकॉज मैं स्कूल टाइम पे जब आया था तो कहीं बाहर से गया था, ये अंदर से जाना पड़ रहा है। जैसे मैंने पार्किंग निजामुद्दीन का जो राउंड अबाउट है उसके सामने पार्किंग है, और पार्किंग से लेफ्ट में जाके रास्ता है जो सीधा अंदर जा रहा है। पहले मैं अंदर गया, देख के आया, फिर वापस आया, फिर पार्किंग में, फिर अंदर जा रहा हूँ। तो खैर व्लॉग में नहीं रहे, काफ़ी भीड़ है, पता नहीं क्यों, इतना अच्छा है क्या ये, कोई बात नहीं, हम भी लाइन में लगते हैं टिकट लेते हैं। तो गाइस फाइनली एंट्री हो चुकी है, और ये फिर मेट्रो का टिकट लेके मैंने, क्या ये फिर वही जैसा आपने देखा था ना कुतुब मीनार में टिकट लिया था मैंने, वही टिकट है सेम वैसा ही, क्योंकि रीयूज़ हो जाते हैं, पेपर वाले नहीं हो पाते। तो 40 रुपीज़ का टिकट है, फॉरनर्स का 600 रुपीज़ है। और ये एंट्रेंस, और आपको अगर मैं एक बात बताऊँ तो एंट्रेंस ऐसी है कि पहले ना सामने खुला हुआ था, कुछ था नहीं, आई मीन मतलब पहले जो था सामने पूरा खुला हुआ था, अब कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ बन रहा है, इस वजह से सामने का कुछ चेंज नहीं लग रहा है। पहले मैं यहीं से आया था, मुझे लगा देख के कि शायद कोई और रास्ता था, बट नहीं यही था, बहुत टाइम पुराना था, इस वजह से मैं रिकगनाइज नहीं कर पा रहा था, बट क्योंकि सामने पूरा शेड्स लगे हुए हैं। लेट मी शो यू, देखो ये ब्लू ब्लू आपको शटर दिख रहे हैं, सो ये इसकी वजह से लग रहा है कि चेंज हो गया, बट चेंज नहीं हुआ। सो ऐसी कुछ एंट्रेंस है जो कि टूटी हुई है, पता नहीं क्यों ये बनाई है या ऐसी है, समझ नहीं आ रहा मुझे। ताजमहल का भी कुछ ऐसा सही सीन है, मैं कभी गया नहीं हूँ बट सुना है, देखा है वीडियोस फोटोज़ में कि आप एक गेट से 3 लगातार गेट्स और देख सकते हो। सो वो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा फील होता है। पहले हमारी उस टॉम भी दिखाएंगे, उसके बाद आसपास जो चीज़ें हैं छोटी छोटी वो कवर करेंगे। मेरी यहाँ की एक फ़ोटो है जो आपको वीडियो में दिख रही है, मेरी और मेरे फ्रेंड की। सो या इट वॉज वेरी नाइस। सो गाइस अब आप बोलोगे समीर भाई अब इतने भीग क्यों रहे हो, बारिश हो रही है? नहीं, बारिश कल हो रही थी, मैं कल सोच के आ जाऊँ कि मुझे लगा आज का ये मौसम अच्छा होगा, समीर शर्ट पहन के जाओ मस्त, बढ़िया सी बढ़िया आगे पोपट कट गया कि शर्ट पहनने की बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, मैंने शर्ट पहन ली। इस एरिया में मैं आया हूँ, मैं फैमिली के साथ भी आया हूँ, मैं स्कूल ट्रिप से भी आया हूँ, सिर्फ 2 बार ही आया हूँ लाइफ में, यहाँ पर आज 3rd टाइम है, जो कि मेरी सारी मेमोरीज़ फ्लैशबैक हो रही है, मुझे दिख रही हैं, फ्लैश हो रही हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे यहाँ मेरी फैमिली के साथ फ़ोटो है। और गाइस अकेले आने का मज़ा ही कुछ और है, अगर मैं आपको भी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, हर जगह अकेले जाओ टेंशन ही नहीं है, टिकट एक का देना पड़ता है ना। अभी जो मैंने आपको पहले दिखाई वो फर्स्ट एंट्रेंस थी, तो ये है मकबरे की, हुमायूं टॉम्ब की मेन एंट्रेंस, जो कि बहुत खूबसूरत है, क्या बात है, नाइस। स्टेयर्स कुछ ज़्यादा स्टीप नहीं है, ये वीडियो में नहीं दिख रही है बट कुछ ज़्यादा ही स्टीप है।
स्टेयर चढ़ के ऊपर आ गए, ऊपर आने को ऐसा लगता है कि हाँ वर्थ है ऊपर आना। सो आपको भी दिखाता हूँ इसकी ब्यूटी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ की, जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी मुझे पता लगा, इस मकबरे में 100 ऐसे मकबरे हैं तो पता भी नहीं है कि कहाँ है। और जो 100 के 100 मकबरे हैं ना, किसी का नाम किसी पे लिखा नहीं है, तो ये समझना, ये जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मकबरा किसका है। सो ये तो कभी पता लग ही नहीं पाएगा बिकॉज नाम लिखा ही नहीं है। भाई गर्मी है यार, पर ठीक है, आप लोग के लिए कंटेंट लाना मेरा काम है। इन मकबरों की बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे यहाँ 100 मकबरे हैं जिन पे नाम नहीं लिखा हुआ, और तो ये तो पता ही नहीं लग पाया कभी कि कौन सा मकबरा किसका है। जस्ट ये मिस्ट्री रह गई भाई। ये एंगल गाइस, अगर आप देखो प्री वेडिंग के लिए शूट करवा रहे हो, किसी चीज़ के लिए फूड शूट करा रहे हो, तो ये जो कॉर्नर है, मतलब यहाँ से आप एंटर करते हो, ये जो आपको दिख रहा है ना गैलरी जैसा, यहाँ से एंटर करते हो और इसके बाद राइट पे चल के ये जो एंगल आता है गाइस, बहुत ज़बरदस्त एंगल है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा ओवरव्यू ऑफ दिस थिंग, बहुत खूबसूरत है। अब ये इसका सेकेंड एंट्रेंस है, बट आई होप ये खुला है, आई गेस नहीं खुला है, खुला है नहीं खुला है, खुला है। और ये 16वीं शताब्दी में बना था, हुमायूं की बेटी ने हुमायूं के लिए बनवाया था, काफ़ी बढ़िया बनवाया है, मज़ा ही आ गया देख के। और ये वो स्पॉट है जहाँ इस टाइम अच्छा वेदर होता है, छाई होती है बढ़िया प्रॉपर तरीके से। अभी अंदर भी लेके चलूँगा आपको, फिर आप बाहर से, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। सामने जो आपको ये मकबरा दिख रहा है छोटा सा, आप इसके सामने खड़े होकर फोटो खिला सकते हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ इस जगह से बहुत ज़बरदस्त फोटो आएगी यहाँ की, एक फ़ोटो आपको लेके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पता लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अमेजिंग फोटो आएगी। गाइस थोड़े दिन छाया में रेस्ट करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ मकबरे के अंदर, गर्मी बहुत हो रही थी तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो वरना एग्जॉस्ट हो जाता। काफ़ी फॉरनर्स आ रहे हैं यहाँ पर, मज़ा आ रहा है मुझे उन लोग को देखने में, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं लोग। हमें तो पता ही है हम तो यहीं के ही हैं, तो एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने आपको अभी कुछ जगहें दिखाई हैं, अभी 2 लोकेशन दिखाई हैं, 3 और बची हैं जो मुझे आपको दिखानी है। सो लेट्स गो इनसाइड, चलते हैं अंदर। सो ये है हुमायूं मकबरा, कबर आई मीन। काफी सुंदर है, काफी सारे रूम्स हैं यहाँ पर, सी यहाँ और मकबरे हैं गाइस। काफी रूम्स हैं, देखो मैंने बताया था ना आपको, काफी सारे मकबरे हैं, और ये भी यहाँ पर 3 और कमरे हैं। आर्किटेक्ट सेम है। हर जगह ऐसी मकबरे हैं, तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो गाइस ये था अंदर का टूर। अंदर टोटल 6 रूम्स हैं, 6 में किसी में 2, किसी में 3। मेन तो एक है बाहर, हुमायूं की जो मकबरा है वो पहचानने में आती है बिकॉज वो मेन है, बाहर ही है इसलिए वो हम पहचान जाते हैं। बाकी और किसकी क्या है कुछ समझ नहीं आता क्योंकि नाम नहीं लिखा है एक्चुअली। तो टोटल 6 रूम्स हैं, गेट से अंदर घुसते ही 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो या दिस इज इट, अभी और एक्सप्लोर करते हैं बाहर निकल के गार्डन एरिया में कि कितना क्या सीन है। गाइज अब मैं आ चुका हूँ नीचे गार्डन एरिया में जहाँ हमेशा सफाई होती रहती है, यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने जो मकबरा आपको ऊपर से दिखाया था वो मेरे पीछे है, अभी वहीं की तरफ जाने की सोच रहा हूँ कि ऊपर चढ़ सकते हैं कि नहीं, गार्ड बैठा है वैसे तो। सो लेट्स ट्राई कि मैं ऊपर जा सकता हूँ। यार पता है
चाहे आगे से देख लो, चाहे पीछे से देख लो, साइड से देख लो, उस साइड से देख लो, हर जगह से सेम बना हुआ है। मुझे लगा मैं सामने से उतरा हूँ, बट मैं इसके ऑपोजिट से चढ़ा था और यहाँ से उतरा हूँ नीचे। मतलब ये बंद है भाई। मेरी सारी स्कूल की मेमोरीज मेरे सामने आ रही, जितना हो सकता है बस फोटोज हैं तो मैं लगा दूंगा फेसबुक से निकाल निकाल के, मैं यहाँ आया था, मैं यहाँ नहीं आया था। काफ़ी मज़े किए थे स्कूल टाइम में, मुझे सब याद आ रहा है कि मैं यहाँ आया ऐसे ऐसे, मैंने फुल ऑन मस्ती करी थी। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ जो मैंने आपको मकबरा, पता नहीं मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है वहाँ जाने की, वहाँ जाऊँ और आपको दिखाऊँ, क्योंकि दूर से वह दिखा दिया है तो पास से मैं भी दिखा दूँ आपको, मैं भी देख लूँ क्या है। इसे बंद तो है, गार्ड बैठा है, बट ऊपर चढ़ सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, मे भी जा सकते हो, आई डोंट नो, जाके पता, क्योंकि कुछ नई जगह देखने में मुझे मज़ा आता है, मैंने भी नई देखी होती है। भाई कितना ऊँचा है, कितनी हाइट है ये, मेरा हाथ भी नहीं आ रहा टॉप पे इसके, और ये दूर से कितना छोटा लग रहा था। भाई इस समय यहाँ से कूदूँ क्या, ट्राई करूँ कूदने की? ऐसी स्टेयर्स से तो ये पता लगता है कि पहले के लोग बहुत बड़े बड़े होते थे, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची स्टेयर्स, बंदा 3-4 स्टेयर्स में थक जाए। ओह खुला हुआ है, ये भी मकबरा है जो मैंने आपको बताया था 100 कब्रों में से, ये भी वो 2 कब्रें हैं, आई गेस 3 नहीं 2 ही हैं, बट यहाँ अभी काम चल रहा है मेरी। ये भी किसी का मकबरा होगा, आई डोंट नो किसका है, बट ये छोटा सा है तो हम राउंड ले सकते हैं। गाइस यहाँ से एंटर किया हमने, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, काउंट ऑफ 3-2-1 प्राइवेट लेक कह सकते हैं इसे, जहाँ ये पानी थोड़ा सा बचा है, और आई होप यहाँ काफ़ी पानी होता होगा उस टाइम पे, और वो जैसा मुझे पता लगा है, ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये वहाँ उनके गार्ड्स रहते थे, मतलब बेसिकली ये जो आपको जगह दिख रही है ये इसलिए होती थी ताकि ये पानी इसलिए यहाँ जमा करके रखते थे ताकि कोई अंदर जा ना सके, मतलब जो दुश्मन है अटैक करने के लिए या कुछ ऐसा चीज़ है, क्यों काफ़ी गैप है यार इस पे, काफ़ी बड़ा है ये स्पेस में, आपको कैमरे में शायद जस्टिस नहीं कर पा रहा है कैमरा, और वो सामने रूम जो दिख रहा है वहाँ गार्ड्स है ताकि वो डायरेक्टली बता सके कि अब हमला होने वाला है। और ये एक्चुअली मैंने नहीं देखी थी, मतलब ये जगह फर्स्ट टाइम देखी है, और बहुत सही है यार, और काफ़ी डीप है, काफ़ी डीप है, फोटो में नहीं दिख रही है बट एक्चुअली इट्स डीप। भाई साहब अगर मैं चश्मा गिर गया तो मैं उठा भी नहीं पाऊँगा वहाँ जाके, बट हाँ रास्ता है वहाँ से, आई कैन गो ओवर देयर, बट रिस्की हो सकता है। तो नाइस, इट्स नाइस प्लेस फॉर फोटोशूट। अब मैं आपको 2 और दिखानी है एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा में, और उस गार्ड रूम के साइड में आपको गुरुद्वारा दमदमा साहब दिख रहा होगा, जो कि अपने आप में ही बहुत फेमस है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, तो वो आपको मैं किसी और दिन बताऊंगा विस्तार से, प्रॉपर इसके ऊपर ही वीडियो बनेगी। ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है, पर फिर भी निकल चला हूँ अपनी दुनिया की तलाश में। हे ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, कोई ये हुआ करता था स्टेज आई गेस, जहाँ पे लोग अपना थोड़ा सा मनोरंजन करते थे। मनोरंजन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट ये वाला अच्छा है, ये मेरे जैसा ही है, ये गिटार बजाना, तंबूरा रखना, तो बताऊँगा आई गेस काफी। कोई दुख नहीं मैनू, अभी दुख हो जाता। अगर आप आ रहे हो ना यहाँ पर तो एक चीज से बहुत ध्यान रखना, सांप हो सकते हैं यहाँ पर। इन दोनों मकबरों को देखने के लिए मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, तो ये 3rd मकबरा है जो कि बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत, अपने टाइम का ये बहुत खूबसूरत रहा होगा। क्या वर्क है, क्या पेंट आर्ट है भाई, अमेजिंग वर्क है यार, ब्यूटी है यार, कौन कहता है दिल्ली में इंडिया में चीज़ें नहीं हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यार, आप घूमो तो सही, कवर करो। और अगर किसी को यहीं से सीधा मुंबई जाना है तो वहाँ से मिलेगी आपको लोकल ट्रेन, सो टिकट लो और सीधा मुंबई जाओ। अब चढ़ता हूँ इसके ऊपर और इसमें देखते हैं क्या है अंदर। वाह इतनी खुशी,
गाइस अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं नीला गुंबद के बारे में। नीला गुंबद पहले अलग था, मतलब ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसमें जॉइंट नहीं था। 2017 में यूएनेस्को ने अपने अंडर इसको लिया, फिर अब ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया जाता है। इसको ओपन किया था 2019 सितंबर में, ताकि लोग अब इसको इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि लोग आते हैं और वहाँ से घूम के चले जाते हैं। बट आपको अगर वहाँ जाना है तो यहाँ मैप भी दिया गया है कि ऐसे ऐसे यहाँ जाते हैं। बहुत अच्छी, आपने मेरे ब्लॉग में दिखाई कितना खूबसूरत है, बहुत पीसफुल जगह है, जाओ यहाँ पर और काफ़ी सही है। इस ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान जो सामान जो दौरान प्राप्त हुए थे अवशेष, वो ये हैं। कुछ टाइल्स, ये पत्थर, मटका, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आज तक यहाँ पर रखी गई हैं हम लोग को दिखाने के लिए। सो गाइस दिस इज़ द लास्ट प्लेस जो मैंने अभी मैप में देखा, मुझे लग रहा है मुझसे मिस हो गया, वो है ये ईसा खान्स गार्डन टॉम। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना कि मटका वटका मिला था, वो सब इनकी मकबरा जब खुदाई हो रही थी उसके दौरान में, तो अंदर चलते हैं देखते हैं कैसे है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। सो हियर वी गो। काफ़ी लोग हैं यार यहाँ, मैं 3 बार यहाँ पर आ चुका हूँ माइनस टॉम, बट मैं कभी यहाँ नहीं आया। नाइस। गाइस काफ़ी प्यारा है ये, काफ़ी कलरफुल है। ऊपर से देखो अभी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का इसमें, और वो शायद मस्जिद है। बहुत खूबसूरत है ये, काफ़ी अच्छी लोकेशन है फॉर शूट। ये कुछ अलग है, क्या है ओ, ये यहाँ पर ये वाइब देने के लगाई है, पहले से लगी हुई थी, नॉट श्योर। वो सोना ले गए उठा के तो ये उसके अंदर है। सो गाइज ये था मेरा आज का हुमायूं टॉम्ब का विजिट। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ज्यादा प्यारी। मतलब मैं तो आज आया हूँ पहली बार पूरे मकबरे में, आज घुमाऊँ बहुत जगह है। मतलब इतनी सारी जगहें थी, मैं तो सिर्फ हुमायूं टॉम्ब में आके खुश होकर चला जाता था, बट अब पता लगा है कि यहाँ पर कितने और प्लेसेस हैं फॉर फोटोशूट्स। मैंने आपको सब कुछ दिखाया और काफ़ी वेडिंग शूट्स होते हैं यहाँ पर, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं। बट मतलब अगर आप एक चीज़ देखोगे वो मन करेगा आप और कुछ देखो। मैंने जो चीज़ अच्छी लगी मैंने आपको दिखाया। तो गाइज आज के लिए रखते रहेगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो अपना, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मैं जरूर बता देना कि आज का मेरा ये हुमायूं टॉम्ब का विजिट आपको कैसा लगा। और आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। और गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करते हो, वो तो आप करते ही करते हो, बट उसके अलावा नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करो ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अगर मुझसे रहते हो मेरा बहुत नुकसान हो जाता है, आपका नुकसान नहीं है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान है। आप लोग बहुत प्यार देते हो और प्यार दो, प्यार में कमी हो रही है थोड़ी सी, उस प्यार को पूरा करो। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी जबरदस्त वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ स्टे फिट एंड आते हैं, यू देख लो एक बार क्या बात है।